Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10. Lesson number 6, प्राणियों का वर्गीकरण. इसमें हम लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके पहले किया है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3. तो इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए ताकि आपको पार्ट 3 थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए. पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर. तो अब हम लोग देखते हैं रंध्री प्राणी संघ फाइलम पोरिफेरा. तो रंध्रीय फाइलम, फाइलम का मतलब क्या होता है, रंध्रीय का मतलब क्या होता है, इसके अंदर छोटे 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 हवा जैसे स्थान होते हैं, जैसा कि हम लोग ने स्पंज देखा है. स्पंज कहते हैं जिसको. ये सबसे सरल प्रकार के रचना वाले प्राणी होते हैं, उन्हें स्पंज कहा जाता है. ये देखो ये स्पंज टाइप में है. उनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र बने होते हैं. इनके शरीर में क्या होता है, बहुत सारे छोटे 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 छेद होते हैं. इन छिद्रों को ही ऑस्टिया या ऑस्कुला कहते हैं. इसको क्या कहा जाता है, ऑस्टिया या ऑस्क्यूला. दूसरा इसका लक्षण है, ये जलचर होकर भी अधिकतर समुद्र में तो कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं. ये जलचर होते हैं, पानी में पाए जाते हैं. ये अधिकतर क्या होता है, समुद्र में पाया जाता है या मीठे जल में पाया जाता है. तीसरा है, मुख्यतः इन सभी प्राणियों का शरीर असममिति वाला होता है, मतलब इनकी रचना जो होती है असममिति होती है. इसको बीच में से काटने पे ये बराबर बराबर भागों में नहीं डिवाइड हो सकती है. चौथा है, इन प्राणियों के शरीर में विशिष्ट प्रकार की ऐसी कॉलर कोशिका होती है. इसमें बहुत ही अलग प्रकार की कॉलर कोशिका होती है, उनकी सहायता से ये प्राणी के शरीर में पानी प्रवाहित करते हैं. जो ये कॉलर कोशिका है, देखो यहाँ पे बच्चों, ये क्या है, स्पॉन्जिला, ठीक है, छिद्रधारी प्राणी है. स्पॉन्जिला के अंदर ये क्या है, ये कॉलर पेशी है. कॉलर पेशी होने की वजह से ही इसमें जो पानी जो है अंदर, ये पानी अवशोषित करता है. पांचवा पॉइंट है, ये प्राणी किसी आधार से संलग्न न होकर के उनमें प्रचलन नहीं होता. ये क्या होता है, ये आधार में संलग्न नहीं होता, जुड़ा हुआ होने के कारण में ये प्रचलन नहीं होता, मतलब ये जिस जगह पे है उसी जगह पे ही ये रहेगा. इसलिए इसे स्थानबद्ध प्राणी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, स्थानबद्ध, ये जिस जगह पे है उसी जगह पे होगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं. छठवां पॉइंट है, इनके स्पंज जैसे शरीर में कंटिका या सूखों का स्पॉन्जिन के तंतुओं का आधार होता है. इनके जो स्पंज होते हैं, जो ये स्पंज बनता है, ये क्या होता है, इनमें मतलब हम अगर इसको छुएंगे तो ये हमें कांटे जैसा लगेगा. कंटिका कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं. जो इसके अंदर के कंटिका है वो किसका बना रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है. इनके शरीर द्वारा लिए गए पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म सजीव और पोषक द्रव्यों का वे पोषण करते हैं. जो पानी इनके शरीर से जो पानी लिया जाता है वो क्या करते हैं, सूक्ष्म सजीव और द्रव्यों का पोषक करते हैं. ऑस्टिया नाम छिद्र द्वारा पानी में प्रवेश कर, ऑस्टिया से पानी जो है वो पूरे शरीर में, ये कॉलर पे से क्या कर रहा है, पानी लेके आ रहा है, लेकिन ऑस्टिया क्या कर रहा है, पूरे शरीर में ये पानी पहुंचाने का काम ऑस्टिया करता है. और ऑस्कुला नामक छिद्र पानी बाहर निकाल दिया जाता है. और जो ऑस्कुला है ये क्या है, ऑस्कुला है. ऑस्कुला से क्या किया जाता है, यहाँ से पानी लिया जाता है और यहाँ से पानी बाहर छोड़ा जाता है. जिस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कॉलर पैसे पानी लेके आता है, ऑस्टिया पानी लेता है और ऑस्कियम से ये पानी बाहर छोड़ता है. इसमें प्रजनन की क्रिया मुकुलन या अलैंगिक पद्धति से हुआ लैंगिक पद्धति से होती है. मतलब इसमें क्या प्रजनन किससे होती है, मुकुलन पद्धति से होती है, अलैंगिक पद्धति से होती है और लैंगिक पद्धति से होती है, तीनों पद्धति से होती है. इसी के साथ इनमें बड़े पैमाने पर पुनरुद्भवन क्षमता भी पाई जाती है. इसका उदाहरण है साइकॉन, यूस्पोजिया, हायलोनोमिया, यूप्लेक्टेकल. अब है सिलेंटरेटा निडारिया प्राणी संघ. अभी निडारिया प्राणी संघ के बारे में पढ़ते हैं. इन प्राणियों के शरीर का आकार दंडाकृति अथवा छतरी के आकार जैसा होता है. ये क्या होता है, डंडे के जैसा होता है और ये छतरी के आकार के जैसा होता है. दंडाकृति शरीर पर बहुसुंड और छतरी के आकार का शरीर होने पर छत्रिका कहते हैं. ये सभी जलचर तथा ये प्रायः समुद्रवासी होते हैं. ये क्या, कहाँ पे पाया जाएगा, जलचर में, समुद्र में पाया जाएगा या पानी में पाया जाता है. कुछ थोड़े ही प्राणी जो है इसमें मीठे पानी में पाए जाते हैं. कुछ प्राणी जो होते हैं इसके मीठे पानी में भी पाए जाते हैं.
इनका शरीर अरीय सममिति और द्विस्तरीय कोशिका वाला था। इनमें क्या होता है, अरीय सममिति होता है, जो इस साइड रहेगा वही इस साइड में रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, जो सामने रहेगा वो उसके पीछे, द्विस्तरीय कोशिका वाला होता है ऐसा कहा जा सकता। इनके मुख के आसपास दंश पेशी युक्त स्पर्शिकाएं होती है। इसके मुंह के आसपास में क्या होता है, दंत पेशी मतलब जिस तरीके से दांत होती है उस तरीके से होती है। स्पर्शिकाओं का उपयोग भक्ष फाड़ने के लिए क्या होता है, ये जो दंत पेशी है, ये जो ये है, या हम लोग ये सारे जो चीज बोल सकते हैं, ये है, ये क्या है, ये अपने भक्ष को मतलब अपने खाने को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो दंश पेशियां बच्चों के शरीर में विष का अंतःक्षेपण करती है। दंश पेशियां मतलब दंश का मतलब क्या होगा, जहर। जहर पेशियां जो होती हैं, जो दंश पेशियां हैं, जो दांत हैं, उसके हिसाब से वो अंतःक्षेपण करती है और उनका उपयोग स्वयं के संरक्षण के लिए भी करती है। ये जो कटीली जो ये रहती है अपना सुरक्षित के लिए भी करती है। इसका एग्जाम्पल है जल व्याल, हमने यहाँ पे देखा जल व्याल, कॉलरस, सी और निमोन, पोर्तुगीज, मैन ऑफ वॉर, जेलीफिश, प्रवाल आदि इसके एग्जाम्पल है। जो अंतर्गुहीन वाले हैं ये इसके एग्जाम्पल है। इनमें क्या है, ये दंड आकार के होते हैं, दंत सुडंग पाया जाता है और उसके वजह से वो खाना पकड़ते हैं, खाना खाते हैं, इससे वो अपनी रक्षा भी करते हैं। यहाँ पे देखो स्नान का स्पंज, जो हम लोग नहाने के लिए जो स्पंज का उपयोग करते हैं, साधारणतः गोलाकार प्राणी का है, जो नॉर्मल होता है गोलाकार प्राणी का होता है। इसका शरीर मुख्यतः स्पांजी नामक प्रथिन के तंतुओं से बना होने के कारण उनमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो जो स्नान का स्पंज होता है उसमें क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। पुराने समय में स्नान करने के लिए इसका उपयोग करते थे, पहले नहाने के लिए इसका उपयोग करते थे। उसी प्रकार लोड तख्त बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो लोड के लिए तख्त बनता है उस इसका उपयोग करते हैं। कार्यालय में टिकटों को चिपकाने के लिए, उन्हें गीला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कागज और नकदी नोटों को गिनने के लिए भी इसका उपयोग, ये इस तरीके से आप लोगों ने नोट को काउंटिंग करते समय इसका इस्तेमाल देखा हो। उसके बाद है चपटे कृमि प्राणियों के संघ, जो चपटे कृमि होते हैं, इनका शरीर दुबला पतला और पत्तियों जैसा अथवा पट्टी जैसा चपटा होता है। इनका क्या होता है, दुबला पतला होता है और पट्टियों के आकार का होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि प्राणी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चपटे कृमि प्राणी कहा जाता है। अधिकतर प्राणी अतपरपोषी होते हैं, अतपरपोषी मतलब ये दूसरे से अपना भोजन लेते हैं, परंतु कुछ स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए पानी में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्राणी इसमें ऐसे होते हैं जो कि पानी में पाया जाता है। इनके शरीर में देह गुहाहीन होकर के भी द्विपार सममिति पाई जाती है। देह गुहाहीन मतलब इनमें देह गुहा नहीं होती है और इसमें द्विपार सममिति पाई जाती है। ये प्राणी त्रिजनन स्तरीय होते हैं, त्रिजनन स्तरीय मतलब इसमें तीन जनन स्तर होता है। इनका शरीर बहिर्जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतः जनन स्तर, इस प्रकार तीन जनन स्तरों से बना होता है। ये प्राणी उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी के शरीर में नर और मादा दोनों ही प्रजनन संस्थान पाए जाते हैं। इसमें नर प्रजनन संस्थान और मादा प्रजनन संस्थान दो के दोनों पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक, फीता कृमि और प्लेनेरिया। देखो ये लीवर फ्लूक है या प्लेनेरिया है, फीता कृमि या पट्टा कृमि बोल सकते हैं इसको। जो सुनो तो अद्भुत, जो जो चीज इसमें सुनाई दे रही है, जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो सब अजीब लग रहा है। समुद्र में प्रवाल चट्टाने होती है, समुद्र में ये जो है प्रवाल चट्टान है, ये चट्टान अर्थात निडारिया संघ के प्राणियों की सघन आबादी होती है। इसमें क्या होता है, निडारिया संघ का आबादी होता है। इसी चट्टान से प्रवाल, मूंगा, इस प्रकार का रत्न, हीरा मोती के जैसे ही मूंगा होता है, इस प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों में भी उपयोगी प्रवाल भस्म तैयार किए जाते हैं। जो जो प्रवाल है औषधि के रूप में भी, आयुर्वेदिक औषधि मतलब आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मूंगा का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चे ये क्या है, ये मूंगा है, ये एक प्रकार का रत्न है, जिस तरीके से हीरा मोती होती है इसी तरीके से ये मूंगा भी होता है। अब हम लोग देखते हैं गोल कृमि प्राणी संघ, तो ये गोल कृमि प्राणी संघ में क्या क्या है, यहाँ पे देखो इन प्राणियों का शरीर कैसा होता है, बेलना आकार होता है मतलब बेलन के आकार का होता है, लंबा होता है, बारीक धागे के जैसा होता है और दंड गोलाकार होता है। दंड गोलाकार का मतलब क्या है, एक लकड़ी के जैसा होता है, डंडा जैसा होता है,
बोला प्रभाव होता है इससे ये जो प्राणी है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले अथवा अतः परपोषी होते हैं। ये जो है अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करते हैं। स्वतंत्र रूप में रहने वाले ये प्राणी जलचर और भूचर होते हैं। ये प्राणी क्या होते हैं, जल पे भी पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं। तीसरा है इन प्राणियों का शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है, मतलब बहिर्जनन स्तरीय, आंतरिक जनन स्तरीय और मध्य जनन स्तरीय होता है। और इनके शरीर में नकली देह गुहा होती है। इसमें क्या होता है, नकली देह गुहा होती है, मतलब इसके अंदर जो है खाली जगह रहती है। चौथा है इन कृमियों का शरीर अखंडित होकर के उनके आसपास अनेक उपचर्म होते हैं। उपचर्म का मतलब क्या होता है, चमड़ा होता है। तो इनके शरीर का क्या होता है, अखंडित होकर के चमड़े का निर्माण होता है। पांचवा है ये प्राणी एक लिंगी होते हैं, एस्कोरिस, इसको पेट के परजीवी भी कहा जा सकता है। फाइलेरिया जो है हाथी पाव का परजीवी है और लोवा लोवा जो है आग का परजीवी। अब हम लोग देखते हैं सखंड कृमी प्राणी संघ। ये प्राणी बेलनाकार होता है, दंडाकृति होकर के इसमें विखंडी खंडी भवन होता है, इसलिए इसे खंडीभूत कृमी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, खंडीभूत कृमी कहा जाता है। अधिकतर प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं। इसमें जो प्राणी होते हैं ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं, खुद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु कुछ बाह्य परजीवी होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, दूसरों की मदद लेकर के अपने जीवन जीते हैं। स्वतंत्र रूप में रहने वाले समुद्र में मीठे जल में पाए जाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र में और मीठे जल में पाया जाता है। और जो बाह्य परजीवी होते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, भूचर में पाए जाएंगे, जमीन पे पाए जाएंगे। ये प्राणी त्रिजनन स्तरीय होते हैं, जिस तरीके से अंतर जनन स्तरीय, बाह्य जनन स्तरीय और मध्यम जनन स्तरीय होता है। और द्विपार समिति वाले होते हैं और इसका सत्य देह गुहा वाला होता है। इनमें संचलन हेतु दृढ़ रोह और परापाद अथवा सूघ जैसे अव्यय होते हैं। इनका शरीर विशिष्ट उपचर्म का बना होता है, मतलब एक अलग से चमड़े का बना हुआ होता है। ये प्राणी एक लिंगी या उभयलिंगी होते हैं। इसमें एक लिंग होगा या तो उभयलिंग, मतलब इसमें मादा और नर दोनों के दोनों पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया केचुआ, जोक और नेवली। यहाँ पे देखो ये केचुआ है, ये जोक है और ये नेवली है। इसके बाद संधिपाद प्राणी से, इन प्राणियों में छोटे छोटे टुकड़े जुड़ करके उपांगों का निर्माण होता है। देखो संधि का मतलब ही हो गया एक दूसरे से जुड़ना, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं एक दूसरे से जुड़ करके निर्माण होते हैं, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है संधिपाद प्राणी। पृथ्वी पर प्राणी जगत में इस संघ के प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है, मतलब पृथ्वी पर देखा जाएगा तो जो संधिपाद प्राणी संघ है इनकी संख्या जो है सबसे अधिक है। इसलिए संधिपाद प्राणी यह संघ प्राणियों में सबसे बड़ा और जीवन संघर्ष में सभी प्रकार के सफल होने वाला संघ है। ये प्राणी गहरे समुद्र, उसी प्रकार सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, ऐसे सभी प्रकार के आदिवासियों में पाए जाते हैं। मतलब ये प्राणी कहाँ पे पाया जाएगा, समुद्र के गहराई में भी पाया जा सकता है और पर्वत की ऊंचाई में भी पाया जा सकता है। इन प्राणियों का शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है और सत्य देह गुहा युक्त होता है और द्विपार समिति वाला होकर खंडीभूत भी होता है। मतलब त्रिजनन स्तरीय मतलब क्या हो गया, अंतर जनन स्तरीय, बाह्य जनन स्तरीय और मध्य जनन स्तरीय। इसमें पाया जाता है सत्य देह गुहा का पाया जाता है, मतलब इसके अंदर खाली जगह होती है। और द्विपार समिति मतलब इसको बीच में से कट करोगे, जैसे इसको यहाँ से कट किया ये भाग बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ से बीच में से कट करोगे तो ये साइड इस साइड का बराबर होगा, फिर चट्टे को यहाँ से यहाँ तक कट करोगे तो वो इस साइड और इस साइड का बराबर होगा। इनके शरीर के आसपास काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। इनके शरीर के काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है और ये प्राणी एक लिंगी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, गोम, तिलचट्टा, मधुमक्खियां, सर्पाल, मच्छर, मक्खी। फिर मृदु कवचधारी प्राणी संघ। मृदु कवचधारी का मतलब क्या हो गया, ये जो इनकी कवच है ये मृदु होगी, मतलब नरम। इन प्राणियों का शरीर नरम बुलबुले जैसा होता है, इसलिए इन्हें मृदु कवचधारी प्राणी कहते हैं। यह प्राणियों में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि संधिपाद जो है विश्व में सबसे ज्यादा प्राणी पाया जाता है, तो इसी तरीके से मृदु कवचधारी भी जो है दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ा संघ है।
इस संघ के प्राणी प्रायः जलचर और गोचर में मिलते हैं। कहां पे मिलेंगे? या तो जल में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, या तो जमीन पे मिलेंगे। जलचर मृदु कवरदारी प्राणी ये प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। जलचर वाले हैं वो कहां पे पाए जाएंगे? समुद्र में, परंतु कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। कोई कोई जलचर ऐसा है कि मीठे पानी में भी पाया जाता है। इनका शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है। त्रिजनन स्तरीय वही बाह्य जनन स्तरीय, मध्यम जनन स्तरीय और आंतरिक जनन स्तरीय होता है। देह हुआ इसमें भी पाया जाता है। अखंडित और मृदु होता है, यह अखंडित रहता है और मृदु नरम होता है। मुष्टि संघ जैसे प्राणियों के अतिरिक्त सभी के शरीर द्विपार्श्व सममिति वाला होता है। मतलब सिर्फ मुष्टि संघ को छोड़ करके, यह मुष्टि संघ ये इसको छोड़ करके बाकी जितने को भी कट करोगे तो वो द्विपार्श्व में दो भागों में डिवाइड होगा। इसको भी अगर करोगे तो यहाँ दो भागों में डिवाइड होगा। इनका शरीर सिर उपांग और पाचन अंतरंग संहति ऐसे तीन भागों में विभाजित होते हैं। इनका जो शरीर होता है सिर में, उपांग और पाचन अंतरंग संहति में डिवाइड हो जाता है। अंतरंग संहति प्रवार मस्ल इन कवच युक्त संरचना से आच्छादित होकर के ये प्रवार अत्यंत कठोर कैल्शियम कार्बोनेट युक्त संरक्षक कवच प्राप्त होते हैं। ये जो इसका कवच होता है किसका बना रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट युक्त संरक्षक कवच से बना होता है जो कि संस्त्रात्रित होता है। यह कवच शरीर के चारों ओर अथवा शरीर में होता है तो कुछ में यह नहीं भी होता, कोई किसी किसी में यह कवच नहीं भी होता है। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं। उदाहरण दिया सीप, मुष्टि संघ और अष्टभुजा, मतलब ये ऑक्टोपस। अब है कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ। इन प्राणियों के त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं। इनकी जो त्वचा देखोगे इनके त्वचा पे क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं, इसलिए इन्हें कांटेदार त्वचा वाले प्राणी कहा जाता है। इस संघ के सभी प्राणी समुद्रवासी होते हैं। इसमें जो कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों का संघ है वो किसमें रहेगा? समुद्र में पाए जाएंगे। इनका शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है और देह वायु युक्त होकर के प्रौढ़ावस्था में पंच अरीय सममिति दिखाई देते हैं। इनका शरीर कैसा? त्रिजनन स्तरीय, मतलब मध्यम स्तरीय, बाह्य जनन स्तरीय और आंतरिक जनन स्तरीय। और इनके अंदर देह गुहा भी होता है, खाली जगह भी होता है। और जब ये बूढ़े हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, इनके अंदर पंच अरीय सममिति दिखाई देता है। परंतु इली अवस्था सममिति द्विपार्श्व होती है। जब इनकी शुरुआत होती है, इली होती है, तब ये द्विपार्श्व में होते, दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ये प्राणी नालिका पद की सहायता से संचालन करते हैं। किससे ये किससे जाते हैं आते हैं, संचालन किससे करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नलिका पद का। नलिका पदों का उपयोग भोजन पकड़ने के लिए भी करते हैं। जो नलिका पद है उसका उपयोग क्या करते हैं? भोजन पकड़ने के लिए भी करते हैं। कुछ प्राणी स्थानबद्ध होते हैं और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, मतलब वो हिलते डुलते नहीं है। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का आते हैं और पट्टिकाओं का बना होता है। इनका जो कंकाल है, जो इनकी हड्डियां होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट कांटे से और पट्टिका मतलब पट्टियों से बना होता है। इन प्राणियों का पुनरुद्धवन और पुनर्निर्मित की क्षमता काफी अच्छी, मतलब ये फिर से अपना निर्माण किया जा करते हैं। ये प्राणी प्राय एक लिंगी होते हैं। उदाहरण स्टारफिश, सितारा मछली, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर और ब्रिटल स्टार। इसके बाद है सामी रज्जुमत प्राणी संघ। इनकी क्या विशेषताएं देखो? इन प्राणियों का शरीर मुख्यतः तीन भागों में विभक्त है। इसमें तीन भाग किया जाता है। पहला है सुंड, स्कंद मूल और धड़। इनके केवल सुंड में पृष्ठ रज्जु होता है। जो सुंड है यहाँ पे ही ये पृष्ठ रज्जु हो जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी यहाँ पे होती है, इसलिए इसे साम्य रज्जुमंत प्राणी कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये पूरे भाग में नहीं रहेगा, सिर्फ सुंड में ही रहेगा। इन प्राणियों को सामान्य रूप से कर्णकृमि कहते हैं। इस संघ के सभी प्राणी समुद्रवासी होकर के रेत के बिल बना करके रहते, मतलब समुद्र में रहते हैं लेकिन वहां पे रेत में जो बालू है, जो रेत है, रेत में बिल बना करके, होल बना करके रहते हैं। श्वसन के लिए इनमें एक से अधिक प्लोम छिद्र होते हैं, मतलब सांस लेने के लिए जो प्लोम छिद्र था, गलफड़ा था, वो एक से अधिक होता है। ये प्राणी एक लिंगी अथवा उभय लिंगी भी हो सकते हैं। ये प्राणी क्या है? एक लिंगी भी हो सकते हैं और उभय लिंगी भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बेलनोग्लॉसस स्कोग्लॉसस। उत्क्रांति के दृष्टिकोण से बेलनोग्लॉसस इस प्राणी को असंपृष्ट रज्जु प्राणी और संपृष्ट रज्जु प्राणी के बीच की कड़ी
कहते हैं। बेलोब्लास्टस को क्या कहा जाता है? असंप्रेष्ट रज्जु प्राणी और संप्रेष्ट रज्जु प्राणी के बीच की कड़ी है। यह प्राणी उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्राणियों के कुछ कुछ गुण दर्शाता है। इसमें क्या होता है, संप्रेष्ट रज्जु प्राणी के भी आते हैं और असंप्रेष्ट रज्जु प्राणी के भी गुण इसमें आते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखें।